ये भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद है और बाहर समाजवादी पार्टी ने अपना एक मोर्चा लाकर हद कर दी। हद कर दी का मतलब ये है कि आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के 90 नगर सेवक और 5 कॉप्शन में जो लोग थे उनका कार्यकाल आज यानी 8 जून 2022 को ख़त्म हो रहा है। इसी मौके पर एक इस्तकबालिया प्रोग्राम का आयोजन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय के अंदर किया गया और साथ ही मुख्यालय के बाहर खाने का भी बंदोबस्त अच्छे तरह से किया गया है। आदाब, आज से एक दिन पहले बीती रात को भिवंडी शहर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन और भिवंडी शहर के कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन को किन्नर समाज के सैकड़ों लोगों ने घेर लिया। आपसी तकरार की वजह से ये मामला हुआ था। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में अभी तक इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। और आगे बढ़ते हैं, आज 12वीं का यानी HSC का रिज़ल्ट आ रहा है और अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। और इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ ये भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद है और बाहर समाजवादी पार्टी ने अपना एक मोर्चा लाकर हद कर दी। हद कर दी का मतलब ये है कि आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के 90 नगर सेवक और 5 कॉप्शन में जो लोग थे उनका कार्यकाल आज यानी 8 जून 2022 को ख़त्म हो रहा है। इसी मौके पर एक इस्तकबालिया प्रोग्राम का आयोजन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय के अंदर किया गया और साथ ही मुख्यालय के बाहर खाने का भी बंदोबस्त अच्छे तरह से किया गया है। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने आज मौके को देखते हुए एक तरफ सियाफ का मामला है, इस्तकबालिया प्रोग्राम है और दूसरी तरफ समाजवादी ने आज अपना मोर्चा पानी के ताल्लुक से खोल दिया और साथ ही नारे भी लगे। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के जो नगर सेवक हैं वो पानी चोर हैं, बिल्डिंग चोर हैं, जो भी उनसे हो सका बड़ी मेहनत से वो नारे लगा रहे हैं। थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बहरहाल अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ताल ठोक कर मैदान में आई थी शोएब गुड्डू के नेतृत्व में, तो 47 नगर सेवक भिवंडी शहर को मिले थे और बाद में आपसी सेटलमेंट के तहत, लोग कहते हैं कि भाग गए, आपसी सेटलमेंट के तहत 18 नगर सेवक पार्टी छोड़कर भाग गए और बाद में एक एक करके वो राष्ट्रवादी में शामिल हो गए और फिलहाल दूसरी बार शोएब गुड्डू राष्ट्रवादी के बैनर तले एक बार फिर मैदान में हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि 47 नगर सेवक से ज़्यादा इस बार महानगर पालिका में हमारे आएंगे। और समाजवादी पार्टी जिनके पास नगर सेवक के नाम पे 1.5 नगर सेवक, वो भी अब पार्टी में नहीं रहे, 1 MLA मौजूद हैं और पार्टी ने आज हज़ारों की तादाद में, जिसमें कई 100 महिलाएं भी मौजूद हैं और पानी के मटके वगैरह लेकर आज यहाँ उन्होंने एक धड़क मोर्चा का आयोजन किया और महानगर पालिका के मुख्य गेट पर उनका कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने स्तर पर भिवंडी शहर में अपना जलवा दिखाने के प्रयास में है। कहने का मतलब ये कि भिवंडी शहर की जो समस्याएं थीं 5 साल पहले, वही समस्याएं आज भी हैं। पानी नहीं है लोगों को, चलने के लिए ढंग का रास्ता नहीं है। गैबी नगर का जो रास्ता शांति नगर के लिए जाता है, कई हज़ार लोगों का मामला इस तरफ से आना जाना है, उस रास्ते की क्या हालत है भिवंडी शहर के लोगों को भी पता है। माइनॉरिटी का 17 करोड़ रुपया जो फंड लाया गया था माइनॉरिटी के लिए, उस फंड का पता नहीं है। कांग्रेस कहती है 6 करोड़ हम लाए, राष्ट्रवादी कहती है 6 करोड़ हम लाए, फंड तो निकला है तो कहाँ गया, जनता ये जानना चाहती है। भिवंडी शहर के चौहान कॉलोनी क्षेत्र में एक शौचालय में धमाका हो जाने के कारण 3 लोग टैंक के अंदर चले गए थे, जिसमें 2 घायल हुए थे, 1 की मौत हो गई। आज तक उसको महानगर पालिका या रईस शेख या किसी नगर सेवक ने 1 रुपया नहीं दिया, मगर उसी चौहान कॉलोनी में समाजवादी पार्टी के रंग वाला, भिवंडी शहर में शायद भिवंडी शहर के लोगों ने पहली बार देखा होगा, शौचालय के बाहर जो रंग है वो पूरा समाजवादी का, और प्रमुख नेता समाजवादी के अबू आसिम आज़मी और MLA रईस शेख का फ़ोटो भी जैसे आप एंट्री करेंगे सामने दिखाई देगा। एक तरफ मौत हो जाती है, एक तरफ शौचालय बनता है, जिसकी मौत हुई उसे आज तक 1 रुपया नहीं मिला, मगर शौचालय बनाकर लाखों का हेरफेर किया गया। बहरहाल यही विकास है भिवंडी शहर में, कहीं पाथवेज बन गया, कहीं फुटपाथ बन गया, कहीं गटर बन गई छोटी मोटी, यही बन गई और यही भिवंडी शहर का विकास है। भिवंडी शहर की जनता 5 साल तक
इन 90 नगर सेवकों को झेलती रही, जिन्हें आज बड़े मान सम्मान के साथ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में इस्तकबालिया देने की तैयारी है। मगर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा लाकर इस इस्तकबालिया प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया। मैं दुबेर मोमिन के साथ खान फखरे आलम।